नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज किस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, आज किस वीडियो में समझने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। ये हमारे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है चैप्टर नंबर 5, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा, है ना। और चैप्टर का नाम क्या है, यायावर साम्राज्य। तो आप सभी को मालूम होगा कि इस चैप्टर के ऊपर पार्ट 1 की वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें। तो उसमें हमने चंगेज खान के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में, उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में हमने समझ लिया था। यायावर होते कौन है, इस शब्द का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में समझ लिया था, ठीक है। तो पार्ट 1 को आप जरूर देखें। आज की इस वीडियो की शुरुआत होगी चाइना की जो दीवार है, जिसको हम 7 अजूबों में से एक में रखते हैं, है ना। चीन की जो महान दीवार है, विशालकाय दीवार है, उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और चंगेज खान के मरने के बाद जो यायावर साम्राज्य है, जो मंगोलिया के जो मंगोल लोग थे उनका क्या हुआ, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल का नाम है वो रोशन सर स्टडी पॉइंट के नाम से ही है, तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब करिए। वहां पे आपको ये जो पीडीएफ है वो फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, आप जो भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे से बात करके, ठीक है जी। चलिए अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम चलेंगे चीन की महान दीवार पे, है ना, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे चीन के साथ व्यापार, ठीक है जी। तो इस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले चीन के साथ व्यापार। देखो भैया, मंगोलिया के जो लोग थे ना, जो यायावर लोग थे, आपको पता है कि बहुत ही ऐसे एरिया में रहते थे जहां पे खेती बहुत कम होती थी, खाने पीने की चीजों की बहुत कमी थी। तो इसलिए वहां के लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से करते थे, जीवन यापन करने का तरीका होता शिकार करते हैं, शिकार करके भाई अपना जीवन यापन करते थे। तो इसलिए क्योंकि खाने पीने की चीजों की हमेशा उपलब्धि वहां पे नहीं होती थी मंगोलिया के लोगों के पास, मंगोलिया में, तो वहां के लोग जो थे वो चाइना के साथ व्यापार करते थे। क्योंकि आपको मैंने वर्ल्ड का मैप दिखाया था, तो आपको मैंने बताया था कि चाइना के ऊपर ही है मंगोलिया, है ना, चाइना के ऊपर मंगोलिया है। तो भाई मंगोलिया के लोग चाइना के साथ क्या किया करते थे जी, व्यापार करते थे। अब व्यापार में वो क्या करते थे, जो भी जंगलों से उन्होंने जो भी चीजें मारा है, शिकार किया है, जो खाल वाल है, है ना, या दूध है, जो भी जानवर उनके पास है, तो जानवर से बनी जो भी, मतलब जानवर से मिलने वाली जो भी चीजें है वो चाइना के लोगों को देते थे। और बदले में जो खाद्य सामग्री है, यानी कि जो गेहूं है या चावल है या दूसरी जो फसलें है, वो वहां के लोगों से लेते थे, ठीक है। अब लेने के दौरान क्या होता था कि भाई ये तो लुटेरे थे, यायावर लोग जो थे ये एक तरीके के क्या थे जी, यायावर लोग जो थे एक तरीके के लुटेरे थे। अब इनको भाई, इनका कोई स्थायी ठिकाना तो है नहीं, परमानेंट कोई जगह है नहीं जहाँ पे रहते हैं, तो ये कई बार क्या करते थे, चाइना के लोगों का जो सामान होता था उसको लूट के भाग जाते थे, ठीक है। लूट के भाग गए, जंगलों में घुस गए, कहीं भी समा गए भाई। अब चाइना के लोग तो भाई एक जगह पे स्थायी रूप से रहने वाले, कहाँ जाके जंगलों में ढूंढेंगे, उनका अपना खुद का स्थायी काम धंधा है। अब यायावर लोगों का कोई भी स्थायी काम धंधा नहीं है भाई, भाग गए सारे, है ना। तो इस तरीके से यायावर लोग बार बार चाइना में घुस जाते थे, चाइना के ऊपर ये जो मंगोलिया के लोग थे हमला कर दिया, सामान वगैरह लूट के, नगरों को लूट के भाग जाते थे, ठीक है। ये स्टोरी आपके इस पेज में बता रखा है, इसको एक बार मैं रीड करता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ सके। देखिए क्या लिखा है, स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल और मध्य एशिया के यायावर व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के साथ जो स्थायी निवासियों के साथ जाना पड़ता था, मतलब स्थायी निवासियों के साथ जो व्यापार है वो करना पड़ता था, है ना, किसको, मंगोल के लोगों को, यायावर लोगों को। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभदायी था, दोनों ही समुदायों के लिए, चाइना और जो यायावर लोग थे, मंगोलिया के लोग थे, उनके लिए भी फायदेमंद था। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे, है ना, जो भी खेती से प्राप्त जो भी चीजें है, फसल है, और लोहे के उपकरण लेके आते थे, और बदले में जो घोड़े है या फिर जो स्टेपी क्षेत्र में पकड़े हुए जो शिकार है उसको बदले में देते थे, उनका खाल है या फिर और कोई दूसरी चीजें वो देते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों ही पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए होड़ में बेधड़क सैनिक कार्यवाही भी कर बैठते थे। मतलब दोनों ही पक्षों को क्या करना है, अभी लाभ कमाना ज्यादा से ज्यादा, तो लाभ कमाने की वजह से क्या करते थे, दोनों ही पक्ष कई बार सैनिक कार्यवाही कर देते थे। जब मंगोल कबीले के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तब अपनी चीनी
पड़ोसियों को व्यापार में बेहद शर्त रखने के लिए मजबूर कर देते थे, मतलब कि अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश करते थे। कई बार चाइनीज लोग भी भाई ये कोशिश करते थे, और कई बार जो मंगोलिया के लोग थे वो भी ये कोशिश करते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। मंगोलों का जीवन क्या था भाई, बिल्कुल अस्त व्यस्त होने पर, मतलब अस्त व्यस्त था इनका जीवन, है ना। तो ये क्या करते थे, वही लूटपाट के, ठीक है, लूटपाट करके स्टेपी जो मतलब अपना जो एरिया है उसमें भाग जाते थे। तो इस तरीके से इनका जो सिस्टम था, पूरा चाइना का सिस्टम ये बिगाड़ रखे थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देखो, आगे क्या लिखा है कि उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूट लिया। दूसरी ओर यायावर लूटपाट करके कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे, है ना, जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अब भाई लूटपाट मचाया, कोई स्थायी घर तो है नहीं, परमानेंट ठिकाना इनका कोई है नहीं, भाई लूट के भाग गए, ठीक है। तो इसलिए इनको कोई नुकसान तो नहीं होता था, लेकिन चाइना के लोगों को तो भाई उठाना पड़ेगा नुकसान। इसमें चीनी जो लोग थे उनको काफी ज्यादा क्षति होता था, बहुत ज्यादा क्षति जो है वो चाइनीज लोगों को उठाना पड़ा। तो इन्हीं से बचने के लिए, जो यायावर लोग थे उनके हमलों से बचने के लिए क्या हुआ, चीन के जो राजा थे उन्होंने एक दीवार यानी किले बनवाने शुरू कर दिए, दीवार गिरवाना शुरू कर दिया चारों तरफ से, जिधर से मंगोल के लोग आते थे, है ना। देखो क्या लिखा है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, देखो काफी समय पहले से ही इस दीवार को मतलब बनाना शुरू कर दिया था। तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किले बंद करना आरंभ कर दिया था, मतलब किले बनाने शुरू कर दिए, ऊंची दीवारें बनानी शुरू कर दी। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व आते आते तक, 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि लगभग 500 साल तक भाई ये दीवारों का जो निर्माण था वो काम चलता रहा, ठीक है, लगभग 500 साल तक, ठीक है। तो किलेबंद को एकीकरण कर दिया गया, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक पूरे किलेबंदी को पूरा कर दिया गया, एक कर दिया गया, है ना। जो भी किलेबंदी अलग अलग क्षेत्र में बनाई जा रही थी उसको एक करके एक रक्षात्मक ढांचा तैयार कर दिया गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, चीन की महान दीवार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, चित्र दिख रहा होगा, है ना, चांदनी चौक टू चाइना जो मूवी है उसमें भी यही दीवार पे हमारे, मतलब इसी चीन की महान दीवार के ऊपर ही हमारे जो अक्षय कुमार भैया है वो आपको पता ही है तहलका मचा रहे थे, है ना। तो ये आपकी चीन की महान दीवार के बारे में था। यहाँ से क्वेश्चन आता है चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई, है ना, तो यही सारी चीजें लिखनी है। या फिर यायावर लोगों के बीच में और चाइना के लोगों के बीच में जो व्यापार होता था, व्यापारिक संबंध का वर्णन कीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको आसानी से कर पाएंगे मेरे हिसाब से, अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है, ठीक है जी। तो ये समझ में आएगा सभी बच्चों को, किसी बच्चों को अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं चंगेज खां के उपरांत मंगोल। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, डेट वेट दे रखा है और बहुत सारे नाम दे रखे हैं, नाम खतरनाक खतरनाक नाम है, आपको पता है चाइनीज है और मंगोलिया लोगों के नाम भाई थोड़े खतरनाक है। बस चंगेज खां का नाम ही है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो, बाकी उसके पोते उसके बेटे का नाम आप देखोगे तो भाई है थोड़े खतरनाक, ठीक है जी। तो देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, चंगेज खान के मृत्यु के बाद मंगोलिया जो साम्राज्य है उसकी हम बात करने वाले हैं, खास करके उसके बेटे ने या उसके जो पोते थे बहुत सारे, उन्होंने किस तरीके से मंगोलिया साम्राज्य को, यायावर साम्राज्य को फैलाने में योगदान दिया या फिर इसको खात्मा में योगदान दिया, उसके बारे में ही इस टॉपिक में आपको अभी आगे के टॉपिक में आपको समझने को मिलने वाला है। देखो क्या लिखा है, चलिए रीड करते हैं एक बार हम सभी इस टॉपिक को। चंगेज खान के मृत्यु के बाद हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में बांट देते हैं, ठीक है जी, दो चरण यानी कि दो समय काल में एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि हम इसको बांट के अध्ययन करते हैं। जो पहला चरण है इसकी शुरुआत, पहले चरण में कौन से समय काल की बात करते हैं, 1236 से लेके 1242 तक का जो समय काल है इसको रखा जाता है। इस दौर में रूस का जो स्टेपी क्षेत्र है, बुलगार जो है या फिर कीव है, पोलैंड है, हंगरी है, इन सभी क्षेत्रों को जीता गया था, इन सभी क्षेत्रों को कब्जे में लिया गया था, खास करके यूरोप का बहुत सारा एरिया जीता गया, ठीक है जी। दूसरा चरण जो था वो 1255 से शुरू होता है, 1300 तक चलता है, ठीक है जी। ये दूसरा चरण था साम्राज्य विस्तार का, चंगेज खान के मरने के बाद साम्राज्य विस्तार का दूसरा चरण इसको माना जाता है। इसमें चीन है, ईरान को जीता गया, ठीक है, इराक है, सीरिया है, इन एरियाओं को जीता गया था। तो इस तरीके से चंगेज खान के मृत्यु के बाद हम जो मंगोलिया का इतिहास पढ़ते हैं वो दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक का है और दूसरा 1255 से लेके 1300 तक का है। और कहां कहां का एरिया को जीता गया था वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इन सभी चीजों को आपको याद करना होगा। मेन जो चीज जो था, मेन थीम जो था इस टॉपिक का यही था, ठीक है। अब आगे, अभी तो हम बहुत कुछ समझने वाले हैं इस टॉपिक में, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा हम आगे देखते हैं, 1203 के बाद के दशकों में मंगोलियाई सेना को बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ा, मतलब कि बहुत कम जगह पे इनको
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। 1260 के दशक के बाद जो वियना है, वियना में वैसे ये वाली मात्रा है कि वियना, ठीक है, वियना है, और उसके उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेना के अधीन में ही रही, ठीक है जी। तो 1260 तक आप देखते हैं कि यूरोप में वियना आ जाता है, या फिर हम पश्चिमी यूरोप का पूरा एरिया बात कर ले, हम मिस्र की बात कर ले, मिस्र जो है आपको मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में आई थी आता है ना, तो मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में आता है, तो इन सारे एरिया जो है, ये सारे एरिया मंगोलों के नियंत्रण में रहा 1260 के आसपास की हम बात कर रहे हैं तब तक। देखो अब धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि चंगेज खान के चार पुत्र थे, अभी उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। चंगेज खान के चार पुत्र के बाद चारों पुत्रों के भाई जाहिर सी बात है उनके भी पुत्र होंगे, यानी कि चंगेज खान के बहुत सारे पोते हुए। अब उन जो भी उसके पोते थे, उन जितने भी पोते थे उनके बीच में काफी ज्यादा संघर्ष हो जाता है सत्ता को लेकर, ठीक है। चार पुत्रों ने भाई सही से संभाला, क्योंकि चंगेज खान जीवित रहते रहते अपने सभी पुत्रों के लिए अलग अलग जो सीमा था वो तय करके चला गया था कि भाई इस एरिया को मैं इस बेटे को देता, चारों बेटों को अलग अलग एरिया उसने दे दिया था। लेकिन जो उसको उसके जो पोते थे उन सब ने आपस में राजनीति करना शुरू कर दिया, है ना, आंतरिक राजनीति करना शुरू कर दिया सत्ता के लिए, उत्तराधिकारी के लिए, है ना, उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष हुआ, ठीक है। दूसरा, चंगेज खान के वंश की तोलुई शाखा जो थी, तोलुई उसका एक बेटा था, तो उसकी जो शाखा थी, मतलब तोलुई से जो भी उसके वंशज वगैरह पैदा हुए होंगे उसकी बात की जा रही है, तो इसकी जो शाखा थी, उत्तराधिकारी ने चोची और गोदोई, एक गोदोई होगा वैसे, एक गोदोई वंश को कमजोर कर दिया, जो दूसरे और जो उसके बेटे के जो वंशज थे, है ना, चोची या फिर एक गोदोई के जो भी वंशज थे उसको कमजोर बना दिया, किस कौन सी शाखा ने, तोलुई शाखा ने, ठीक है जी। देखो 1250 ई के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान चलाए गए थे, खैर ये ज्यादा चलो यहां पे हम समझते हैं। 1260 ई के दशक में जो तोलुई है, तोलुई वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। देखो जी यहाँ पे क्या समझने वाली है, 1260 के आसपास क्या होता है, ये जो हमारा तोलुई के जो वंशज होते हैं, उसके जो मतलब वंश के जो शाखा है, उन्होंने क्या किया, चीन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनका मेन मकसद था चाइना को जीतना, चाइना पे पूरी तरीके से कब्जा करना। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी और अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि, उसका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, यहाँ पे आपको क्या समझने को मिला, इस लाइन में ये समझने को मिलता है कि जो तोलुई शाखा है ना, इनका मेन पर्पस है चाइना को जीतना। अब चाइना को जीतने के चक्कर में पूरी सेना कहाँ इसने भेज दिया जी, चाइना के आसपास भेज दिया, है ना। और इस वजह से क्या हुआ कि जो पश्चिमी जो एरिया था, यानी कि यूरोप का एरिया था, वहां पे इनकी सेना कम पड़ गई, वो काफी कम सेना गई, और इस वजह से धीरे धीरे जो पश्चिमी एरिया था वहां पे इनका विस्तार जो था वो रुक चुका था, है ना। उन एरियाओं पे इन्होंने जीतना बंद कर दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पे ज्यादा ध्यान ये नहीं दे रहे। आगे देखो क्या लिखा है, इसी दौरान रूस चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशों का ध्यान उसके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपस में ही जो वंशज है चंगेज खान के, वो आपस में ही संघर्ष करने लग रहे हैं, है ना, और इस वजह से उनका विस्तार जो है वो कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, और ये कमजोर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। युद्ध अभियान से इनका ध्यान जो है वो हट चुका है, जीत से हट चुका है, बस अंदर ही आंतरिक कलेश चल रहे हैं और उसी में ये लगे हुए हैं, इसी में ये अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको समझाने को दिया गया था, कुछ और नहीं है, जो भी था मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। चंगेज खान ने क्या किया, अपने लोगों को एक सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य संगठन के रूप में संगठित किया था। ये चंगेज खान की ही खासियत थी, बाकी तो भाई उसके पूर्वज मतलब उसके जो वंशज थे वो खास कुछ उखाड़ नहीं पाए, चंगेज खान ने जितना उखाड़ा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं चंगेज खान की सैनिक बनावट की, इस टॉपिक में विशेषकर उसके सैनिक बनावट की बात की गई है, है ना। तो मंगोल तथा अनेक यायावर समाज में सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए शस्त्र धारण करना जरूरी था, मतलब जितने भी स्वस्थ व्यक्ति है मंगोल साम्राज्य में उनके लिए जरूरी कर दिया गया था कि वो
हथियार को धारण करेंगे, है ना। और आवश्यक पड़ने पे ये जो स्वस्थ और हथियारबंद जो व्यक्ति है उन्हीं से सशस्त्र सेना तैयार हो जाता था, एक शक्तिशाली सेना तैयार हो जाता था। युद्ध हो गया तो सबको बोल दिया भाई चलो फटाफट अब लग जाओ जी, सीधा अब आर पार का गेम होगा, मारकाट शुरू होने वाला है, सभी को इन्हीं को उठा के ले जाते थे ये जी सेना में। ठीक है जी, ये बात आ गई समझ में, है ना। विभिन्न मंगोल जनजातियों के, देखो क्या लिखा है, विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और विभिन्न लोगों के विरुद्ध अभियानों से चंगेज खान की सेना में कई नए सदस्य शामिल होते गए। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इसको मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को बहुत अच्छे से। हुआ क्या कि चंगेज खान जहां भी जाता वहां पर जीतता, अब जीतने के बाद जो बचे हुए दूसरे विपक्षी पक्ष के जो सिपाही हैं उनको भी ये क्या करते, अपने सेना में ही मिला लेते, उनको अपने में ही मिला लेते। इससे क्या होता गया, लगातार उनकी जो सैन्य शक्ति है वो बढ़ती चली गई, सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। जहां भी जाता राजा को मारा, सारे सैनिकों को बोल दिया तुम क्यों मरना चाहते हो, मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, क्यों लड़ना चाहते हो हमसे, मेरे साथ आ जाओ। बस राजा को जो मेन दुश्मन है खत्म किया और बाकी सबको अपने में ले लिया। तो ये चंगेज खान की खासियत थी। चलिए जी, देखो क्या लिखा है कि यह सैनिक विभिन्न जनजातियों से संबंध रखते थे। इसमें छोटी सी मंगोल सेना एक विशाल संगठन के रूप में परिवर्तित हो गई। कहने का मतलब यह है कि भाई अलग अलग जाति से सेना का निर्माण किया गया था, इस वजह से ये जो संगठन है वो विशालकाय होती चली गई। इसमें मंगोल सत्ता को स्वेच्छता से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के जो उइगुर समुदाय के लोग भी शामिल थे, और इसके अतिरिक्त इसमें जो कैराइट समुदाय के लोग हैं, है ना, उन्होंने अपनी पुरानी, कैराइट वैसे चंगेज खान के दुश्मन थे लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपनी शत्रुता को त्याग दिया था और महासंघ में, जो चंगेज खान का जो महासंघ है, जो सैनिकों का महासंघ था, उसमें ये भी शामिल हो गए थे। जो कैराइट लोग की बात कर लो या फिर उदयगुर की बात कर लो या फिर और दूसरे कबीलों की बात कर लो, सब चंगेज खान की सेना में शामिल होने लगे थे, है ना। चंगेज खान ने क्या किया था, पुरानी दशमलव प्रणाली को खत्म कर दिया था, एक नई दशमलव प्रणाली लेके आया था अपनी, मतलब सेना को इसने गठित किया था। किस प्रणाली के अनुसार भाई, किस प्रणाली के अनुसार, दशमलव प्रणाली। लेकिन ये दशमलव प्रणाली नई थी, पुरानी वाली एक जो दशमलव प्रणाली थी उसको चंगेज खान ने खत्म कर दिया था पूरी तरीके से। पुरानी वाली दशमलव प्रणाली में क्या होता था कि सेना को किस में बांटा गया था, कुल में, पहला कुल, कबीला, और एक मिनट एक चीज और होगा, है ना, कुल, कबीला और सैनिक, ठीक है। तो इसमें क्या था कि पुरानी दशमलव प्रणाली में कुल, जो कुल के लोग होते थे उनकी सेना अलग, कबीले, एक हर एक कबीले की सेना अलग, है ना, और बाकी जो मेन सैनिक होते थे वो अलग, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ये पुरानी दशमलव प्रणाली में थी, लेकिन नई दशमलव प्रणाली में उसने क्या किया, अपने सैनिकों को 10,000 इस तरीके से सैनिक टुकड़ियों में बांट दिया, अलग अलग सैनिक टुकड़ी, एक ऐसी सैनिक टुकड़ी बना दी जिसमें 10 सिपाही मान लो हो गए, फिर दूसरी बना दी उसमें 100 हो गए, ठीक है, तीसरी बना दी उसमें 1,000 हो गए जी, ठीक है, और चौथी बना दी जी उसमें मान लो 10,000 हो गए जी। तो इस तरीके से उसने दशमलव प्रणाली में, नई दशमलव प्रणाली में अपनी सैनिक टुकड़ियों को संगठित किया था, इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सैनिकों की सबसे बड़ी बड़ी इकाई लगभग कितने की थी, 10,000 सैनिकों की होती थी, है ना, जिसको तुमन कहा जाता था। जो 10,000 सैनिकों की जो इकाई होती थी उसको क्या कहा जाता था, तुमन कहा जाता था, है ना, जिसमें अनेक कबीले और कुलों के लोग शामिल थे। ये नहीं है कि भाई जो जिनका अलग कुल है वो अलग हो जाएंगे, जिनका कबीला अलग हो जाएगा वो अलग रहेंगे। ये पुरानी दशमलव प्रणाली में चंगेज खान ने ऐसा किया था, नई दशमलव प्रणाली में उसने क्या किया था, संख्याओं में बांट दिया। इसमें कुल कबीले से कोई मतलब नहीं है, हर एक सैनिक इकाई में हर एक कबीले का और हर एक कुल का व्यक्ति शामिल होगा, कोई अंतर नहीं होगा, कुल और कबीले के आधार पर भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, सब एक बराबर होंगे, लेकिन बस सैनिकों की संख्या अलग अलग होगी, 10, 100, है ना, 10,000। तो सबसे बड़ी जो सैनिक इकाई थी वो कितने की थी, 10,000 की थी, है ना, सबसे बड़ी सैनिक इकाई 10,000 की थी। चलिए जी, स्टेवी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया, विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत किया और एक नवीन पहचान दिया, ठीक है जी। जितने भी दुश्मनी कुलों के बीच में, कबीलों के बीच में चल रही थी, चंगेज खान ने उन सभी को समाप्त कर दिया, ठीक है जी। सैनिकों के लिए कुछ रूल बना दिए कि भाई बिना
सैनिक कमांडर के जो मेन सेना प्रमुख है उसके अनुमति के बिना अगर कोई सैनिक बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसके आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो सीधा मृत्यु दंड दे दो या कोई और सजा उसको दे दो, है ना, तो सीधा सजा दी जाती है। नई सैनिक टुकड़ियों जो उनके चार पुत्रों के अधीन थी और कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, नोयान कहा जाता था, ठीक है जी, नोयान जो नई सैनिक टुकड़ी बनाई गई थी जो उसके चार पुत्रों के अधीन और सैनिक जो कप्तान होते थे उनके अधीन काम करता था, उसको क्या कहा जाता था, नोयान। तो नोयान शब्द याद रखना भाई, ये नई सैनिक टुकड़ियां बनाई गई थी चंगेज खान के चार पुत्रों के लिए, है ना, उसको नोयान कहा जाता था। इसमें वह लोग शामिल होते थे जिन्होंने चंगेज खान का वर्षों तक साथ दिया था और चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से ऐसे कई लोगों को आंडा आंडा यानी कि सगा भाई, आंडा का मतलब क्या, सगा भाई कह के सम्मानित किया था। जैसे कि जमुका की मैंने बात किया था, चंगेज खान जमुका को भी आंडा ही मानता था, आंडा यानी कि सगा भाई जैसा मानता था, ठीक है। तो ये जो नोयान नोयान जो था, ये नई सैनिक टुकड़ी बनाई गई थी, नई सैनिक टुकड़ी बनाई गई थी, इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने चंगेज खान की सेवा वर्षों तक किया, कई वर्षों तक किया था, और जिसको चंगेज खान कई बार क्या कह देता था जी, आंडा कह देता था, आंडा यानी कि सगा भाई मानता था उन सिपाहियों को, उन सैनिकों को, ठीक है जी। आ रही बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा चार उलूस की हम बात कर लेते हैं जी, चार उलूस, चार उलूस, ठीक है जी। चार उलूस होता क्या है, चार उलूस के बारे में यहां पे हम बात करने वाले हैं। तो उलूस का मतलब तो वैसे होता है सीमा क्षेत्र, कोई भी भूभाग या सीमा क्षेत्र जिसको हम क्या बोल देते हैं, उलूस कह देते हैं, है ना। मान लो कि मेरे को एक सीमा, मेरे को मान लो दिल्ली दे दिया गया, दिल्ली की सीमा दे दी गई, ठीक है, तो दिल्ली की सीमा दे दी गई यानी कि वो मेरे लिए क्या हो गया, उलूस हो गया, मेरे लिए वो एरिया हो गया जहां पे मेरे को शासन करना है। तो यहाँ पे हम चार उलूस यानी कि चार क्षेत्रों की बात करने वाले हैं, चार ऐसे क्षेत्रों की बात करने वाले हैं जिसको चंगेज खान ने अपने मरने से पहले अपने चार पुत्रों को सौंप दिया था, ठीक है। तो उसी को मिला के चार उलूस का गठन हुआ था, जो भी सीमाएं अलग अलग सीमाएं अपने पुत्रों को चंगेज खान ने दिया था उसी को चार उलूस कहा गया। तो चार उलूस का मतलब समझ में आया, देखो क्या लिखा है, नए क्षेत्रों में चंगेज खान ने अपने नव विजित लोगों पर शासन करने के लिए, जो नए जो लोगों को इन्होंने जीता था उस पर शासन करने के लिए अपने उत्तराधिकारी घोषित करा चार पुत्रों को, है ना, चार पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और इससे क्या हो गया जी, उलूस का गठन हो गया, इनकी सीमाएं मिल गई इनको और इस तरीके से चार उलूस का गठन हो गया। देखो क्या लिखा है, उलूस का शाब्दिक अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था, मतलब कोई निश्चित भूभाग नहीं है, वैसे तो उलूस का मतलब होता है कोई एक एरिया, ठीक है, लेकिन उस एरिया का कोई निश्चित भूभाग तय नहीं किया गया था, बस ये एरिया बता दिया गया था कि उनको ये एरिया दिया जाएगा। वैसे देखो इस लाइन से आप कंफ्यूज हो जाओगे उलूस का मतलब समझने में, उलूस का मतलब ही होता है कोई भूभाग, कोई निश्चित ही भूभाग वैसे हम बोलेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन शब्द लग रहा है मेरे को, उलूस का मतलब ही होता है एक भूभाग, ठीक है, जिसपे किसी व्यक्ति का शासन होगा, ठीक है। तो चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोजी, जो जोजी था, सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था, जोची, ठीक है, उसको रूस का स्टेपी क्षेत्र मिला था। बारी बारी से हम उसके चारों पुत्रों का नाम याद रखेंगे और उनको कौन कौन सा एरिया दिया गया था उसको याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था जी, क्या नाम था उसका, जोची, उसको कौन सा एरिया मिला, रसिया का यानी कि रूस का स्टेपी क्षेत्र मिला। उसके दूसरे पुत्र की हम बात कर ले जिसका नाम था चगताई, ठीक है जी, पहले नंबर का जोची, दूसरे नंबर का चगताई, चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर का जो पहाड़ी पहाड़ का जो उत्तरी क्षेत्र था वो उसको मिला था, ठीक है, जो कि उसके भाई के प्रदेश से ही लगता था, जो जोची का जो प्रदेश था उसी से लगता था, है ना। तो दूसरे बेटे को जिसका नाम क्या है, चगताई, इसको तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर का जो पहाड़ी एरिया था वो दिया गया था। अब उसका जो तीसरा पुत्र था चंगेज खान का, ओगुदेई, ठीक है, ओगुदेई की बात करें तो उसका उत्तराधिकारी होगा और महान खान की उपाधि दी जाएगी। जो ओगुदेई है वो चंगेज खान का उत्तराधिकारी था, ठीक है, ये भी याद रखना, ओगुदेई तीसरा पुत्र है चंगेज खान का उत्तराधिकारी था, है ना। और इसको कौन सा एरिया मिला था, तो आई थिंक इसको मंगोलिया का ही एरिया दिया गया था, नहीं मंगोलिया का एरिया सबसे छोटे वाले को दिया गया था, है ना, ठीक है ठीक है। तो ओगुदेई ने अपना राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया था जी, काराकोरम, काराकोरम में अपनी राजधानी स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा पुत्र है चौथे नंबर का, चौथे नंबर का पुत्र कौन है जी, तोलोई, तो तोलोई को अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से नाम याद रखेंगे, जोची, चगताई, है
है ना, ओगुदोई, ओगुदोई और तोलोई, ये चार पुत्र हो गए, जोची, चगताई, उसके अलावा ओगुदोई है ना और तोलोई, ये चार पुत्र हैं। इनको अलग अलग जो भूभाग दिया गया था वो भी आपको याद करना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चार उलूस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, चार उलूस के बारे में क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, चार उलूस से क्या समझते हैं और चार उलूस का गठन कैसे किया गया। तो सबसे पहले चार उलूस का मतलब बता देना है, चार उलूस जो कि चंगेज खान ने अपने मरने से पहले अपने पुत्रों के लिए जो सीमाएं तय की थी उसी को हम क्या बोलते हैं जी, चार उलूस बोल देते हैं। चार उलूस में चारों पुत्रों का नाम और उनको कौन कौन से एरिया दिए गए वो सारा कुछ आपको बताना होगा, तब जाके आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हर राजकुमार के लिए अलग अलग सैनिक टुकड़ियां निर्धारित कर दी गई थी, मतलब हर राजकुमार को अलग अलग सैनिक टुकड़ियां दी गई थी और इन सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था जी, तामा कहा जाता था। तामा सब याद रखना भाई, जो जो चार उलूस के दौरान जिन राजकुमारों को जो एरिया दिया गया, जो भी सैनिक टुकड़ी उनको दी गई थी है ना राजकुमारों को, तो उन सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था जी, तामा कहा जाता था, ये भी याद रखना है आप सभी को। चलिए जी, परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद कुरिलताई में होता था तथा समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। देखो कुरिलताई की बात कर ले तो क्या है, ये वरिष्ठ जो सरदार है मंगोलिया में, जो वरिष्ठ सरदार थे उनका ये एक तरीके से क्या होता था, बैठक बुलाई जाती थी है ना, कुरिलताई एक तरीके से क्या है, सभा है, सभा बुलाई जाती थी और इसी में सारा कुछ यहीं पे निर्णय होता था कि किस तरीके से काम करना है, न्याय कैसे करना है, सारा कुछ यहीं पे सारे डिसीजन कुरिलताई में ही ली जाती थी। जी हाँ, कुरिलताई कह रहा हूँ, किरिलताई। ठीक है, तो किरिलताई हो गया हमारा। चलिए वैसे कुरिलताई भी बोल देते हैं, कुरिलताई, कुरिलताई कबीला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो संचार प्रणाली को हम बोलते हैं हरकारा पद्धति, इसने जिस फुर्तीली संचार पद्धति को अपनाया था उसको क्या कहा जाता है जी, हरकारा पद्धति। ठीक है, हरकारा पद्धति। चलिए जी, हरकारा पद्धति के बारे में हम चलते हैं, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, मैं और अच्छे से बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगा मैं इस टॉपिक को। देखो हरकारा पद्धति कैसे काम करता है, देखो हरकारा पद्धति जो है क्या है, संचार व्यवस्था थी, ये संचार पद्धति। हाँ, संचार का मतलब क्या होता है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में एक हरकारा पद्धति अपना रखा था है ना, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता था। ये अश्व संचार प्रणाली भी, इसको हम क्या बोलते थे जी, अश्व, अश्व संचार प्रणाली। अच्छा, अश्व संचार प्रणाली क्यों कहा जाता है, अश्व संचार प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें घोड़ों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। अब किस तरीके से यह व्यवस्था काम करता था, तो मान लो कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि दिल्ली से मेरे को जाना है, दिल्ली मान लो ये दिल्ली है ठीक है, और दिल्ली से मेरे को बीच में पटना भेजना है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना को मेरे को कहां भेजना है जी, पटना भेजना है। तो इसमें क्या होगा कि हर लगभग मान लो 4 मील की दूरी पे ना, 4 मील की दूरी पे क्या बना होगा, एक सेंटर बना होगा। मान लो दिल्ली के बाद आगरा में बना दिया, ठीक है जी, आगरा में बना दिया, फिर लखनऊ में बना दिया, फिर कानपुर में बना दिया, फिर गोरखपुर में बना दिया, फिर पटना में बना दिया। इस तरीके से हर 4 या 5 मील की दूरी पे क्या होगा, एक सेंटर बना होगा। ठीक है, हर 4 मील की दूरी पे मान लो एक सेंटर बना है। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा कि हर सेंटर पे ना एक घुड़सवार तैनात रहेगा, एक मतलब तंदुरुस्त घोड़े के साथ एक घुड़सवार क्या रहेगा, हर एक सेंटर पे तैनात रहेगा। अब दिल्ली से मान लो कि कोई सूचना है, मान लो चंगेज खां का हमला, भाई चंगेज खां के साम्राज्य के ऊपर हमला हो गया है और वो एकदम से चाहता है कि पटना से भी जो भी उसकी सैनिक टुकड़ी है उसको मंगोलिया बुलाना चाहता है, ठीक
या मान लो दिल्ली दिल्ली बुलाना चाहता है, दिल्ली का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिल्ली का एग्जाम्पल, तो उसको सोचना, उस समय भाई टेलीफोन तो होता नहीं था, फोन तो करके बोल नहीं सकता था कि हाँ भाई हमला हो गया आ जाओ फटाफट, है ना, फोन करके तो नहीं बोल सकता था। तो उस समय सूचनाओं को कैसे भेजा जाता था, तो उस समय हरकारा पद्धति को अपनाया जाता था, है ना, घोड़ों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। मान लो कि दिल्ली से एक कुशल घुड़सवार जो है, वो सैनिक जो है, वो जो पत्र है या जो खत है या जो भी सूचना है वो लेके चलना स्टार्ट किया, तेजी से घोड़े से भाग रहा है, टुकड़ुक 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 करते हुए भाग रहा है, ठीक है। अब वो जब आगरा पहुंचेगा ना, अब क्योंकि डायरेक्ट दिल्ली से पटना को एक सैनिक तो जाएगा नहीं भाई, खुद थक जाएगा वो, या फिर उसका घोड़ा भी थक जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक सेंटर बना होता था। अब मान लो दिल्ली से भागना स्टार्ट किया एक घुड़सवार ने, है ना, सूचना लेके, अब वो आगरा पहुंचने से पहले क्या करेगा ना, एक घंटी रखेगा अपने पास, घंटी होता था, तो घंटी बजा देगा, टन 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 टन, घंटी बजना शुरू हो गया। अब घंटी की आवाज सुनेगा यहाँ वाला बंदा, यहाँ भी क्या है, पहले से एक घुड़सवार तैनात है। अब घुड़सवार को देख भाई, वो घंटी की आवाज सुनेगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई अब पीछे से कोई ना कोई बंदा है जो कि सूचना लेके आ रहा है, तो वो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो अलर्ट हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई अब मेरे को भागना होगा। तो अब ये दिल्ली वाला बंदा क्या करेगा, आगरे वाले बंदे को दे देगा कि भाई अब तू भाग, तो आगरा वाला भागेगा। सेम काम आगरा वाला क्या करेगा, लखनऊ जाने से पहले वो भी क्या करेगा, घंटी बजाएगा ताकि लखनऊ वाला बंदा भी भाई तैयार हो जाए। तो फिर आगे लखनऊ वाला बंदा भागना शुरू करेगा, और फिर आगे कानपुर वाला, फिर आगे गोरखपुर वाला, और फिर इसको पटना पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हरकारा पद्धति काम करता था, ठीक है, समझ में आ गया हरकारा पद्धति। तो हरकारा पद्धति में क्या था कि भाई हरकारा पद्धति को सफल बनाने के लिए कुशल घोड़े तो चाहिए, अच्छे घोड़े चाहिए, अच्छे नस्ल के घोड़े चाहिए। तो इसलिए सभी व्यक्ति से हरकारा पद्धति को सफल बनाने के लिए सभी व्यक्ति से चंगेज खान एक कर लेता था, कुब कुर, ठीक है, कुब कुर, कर का नाम क्या था, कुब कुर। ये क्या होता था, हर एक व्यक्ति को मंगोलिया में चंगेज खान के दौरान हर एक व्यक्ति को अपने पशुओं में से दसवां भाग, मतलब मान लो कि 10 पशु है ना, अगर 10 जानवर है तो 10 जानवर में से एक जानवर भाई कर के रूप में देना होता था, टैक्स के रूप में वहां की सरकार जो है, चंगेज खान की जो सरकार है, चंगेज खान को देना होता था, यायावर लोगों का जो राजा था उनको देना होता था। इसको कुबकुर कर कहा जाता था। ये कर जानवरों, विशेषकर जानवरों के रूप में लिया जाता था, है ना, पशुओं का दसवां भाग लिया जाता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं हरकारा पद्धति आप लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत आपको हरकारा पद्धति में नहीं आया होगा। चलिए एक बार देखो, रीड आप खुद भी कर सकते हो, इसमें जो भी हरकारा पद्धति के बारे में बताया हुआ है भाई, इसको खुद रीड कर लेना, सब कुछ वही चीजें बताया है जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब मेरे हिसाब से इसको मैं रीड करूंगा तो भाई कोई खास फिर टाइम ही बर्बाद होना है ना इसमें हमारा। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, हरकारा पद्धति हो गया हमारा। इसमें भी नीचे भी हरकारा पद्धति के बारे में बता रखा है कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद इस हरकारा पद्धति या में, अरे क्या है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, ये पीडीएफ जो है ना वो अभी बंद हो गया था एकदम से, तो अभी दोबारा से ओपन करना पड़ेगा मेरे को, अब बोर्ड थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं, खुल जा भाई। तो उम्मीद करता हूँ भाई अभी तक जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाया है समझ में आ गया होगा। अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत है भाई कमेंट में बेझिझक आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, आप लोगों का कमेंट मैं बकाया रीड करता हूँ। बाकी कोई और डाउट है तो भाई इंस्टाग्राम पे आप आए, इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करें, मैसेज करें, आप लोगों के मैसेज का भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये भी कोशिश रहेगी कि जब एग्ज़ाम हमारे मतलब
जो एग्जाम है, एग्जाम के बीच में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लाइव सेशन भी रखे। ठीक है, खुल जा भाई। चलो भाई ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हर कारा पद्धति की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों की, संघेच खा की मृत्यु के बाद इस हरकारा पद्धति याम में और भी सुधार किया गया है ना, और दूर दराज के इलाकों पर नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, वहां से सूचना प्राप्त करने के लिए हरकारा पद्धति का इस्तेमाल ही वहां के लोग करते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 13वीं शताब्दी के पूर्वाधर में युद्ध की वजह से कई नगर जो थे वो नष्ट हो गए। ठीक है जी, जो यायावर लोगों की वजह से जो युद्ध हो रहे थे उसकी वजह से बहुत सारे नगर नष्ट हुए, कृषि भूमि को हानि हुई है ना, व्यापार चौपट हो गया, दस्तकारी वस्तुओं की जो उत्पादन व्यवस्था है वो भी अस्त व्यस्त हो गई। दस्तकारी का मतलब क्या होता है? दस्तकारी का मतलब होता है हाथों से चीजों को बनाना। तो हाथों से बनने वाली जो चीजें थी वो भी अब नहीं बन रही थी, क्योंकि लगातार युद्ध होते थे, मार काट भाई, कहीं भी हजारों लोग मार दिए जाते थे है ना, सैकड़ों हजारों लोग जो है वो युद्ध अभियानों में मारे गए इन लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ चंगेज खान और उसकी सैनिकों की वजह से। ठीक है जी, समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ गया इस दौरान। परिणाम स्वरूप ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत जो नहरें हैं, नहरें यानी कि नहर होगा, नहर, ठीक है, नहर जिसको क्या कहा जाता था, कनार, कनात, ठीक है, कनात कहा जाता था वहां पे। तो नहर, नहर यानी कि जो कनात है उसका नियमित रूप से मरम्मत नहीं हो पाया। अब जब मरम्मत नहीं होगा भाई, नहर का मरम्मत नहीं होगा तो खेती हो पाएगा क्या? खेती करना मुश्किल हो जाएगा किसानों के लिए, तो इस वजह से खेती भी नहीं हो पा रहा था, तो इससे भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी। चलिए कुछ और पॉइंट्स है, बस चैप्टर आप लोगों का ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण में तेजी आई, व्यापारिक मार्ग चीन से बाहर फैल गया। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस लूटा या नगरों को तबाह कर दिया, कुछ अच्छा काम किया। जो रेशम मार्ग है इसका जो प्रयोग है इनके समय काल में बहुत बढ़ा है ना, और जो व्यापार है वो अब चाइना के साथ ही नहीं बल्कि चाइना के बाहर भी मंगोलिया का या उसके आसपास का एरिया का होने लगा था। व्यापारिक मार्ग मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गया। जो काराकोरम है, काराकोरम जो है ये व्यापारिक केंद्र के रूप में धीरे धीरे उभरने लगा था है ना। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में पैजा कहा जाता है ना, पैजा, तो जो व्यापारी होते थे सुरक्षित यात्रा के लिए जो यात्री है ना, उनको एक पास दिया जाता था जिनको, जिसको फारसी में क्या कहा जाता है, पैजा कहा जाता है, और मंगोलिया भाषा में इसको क्या कहते हैं, जेरेज, ठीक है, जारी किया जाता था किसके लिए, ताकि जो यात्री है वो सुरक्षित यात्रा कर सके, उनको एक पास लेना होता था, फारसी में पैजा और मंगोलिया भाषा में जेरेज इसको कहा जाता था। सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर देते थे। अब यहाँ पे बाज क्या है जी, बाज, बाज एक प्रकार का कर है जो कि व्यापारी अपने सुरक्षा के लिए देते थे। इसका अर्थ मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करता था। मतलब कि कोई भी, यहाँ पे बाज नामक कर की बात की गई है कि कोई भी व्यापारी है तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेगा, एक कर देगा है ना, टैक्स देगा वहां के राजा को, जिसको बाज नामक कर कहा जाता था, और इसके बदले जो भी व्यापारी है उसको व्यापार करने दिया जाएगा। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है। 1230 के दशक में मंगोल ने उत्तरी चीन के चीन वंशों को हराया। मंगोल नेताओं ने समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी कृषि भूमि को चारागाहों में बदल दिया। तो ये मतलब बहुत गलत काम कर रहे थे
जो जायावर लोग थे कहीं भी जाते थे कृषकों को, आम नागरिकों को मौत के घाट उतार देते थे, उनको मार देते थे। 1270 के दशक में शुंग वंश की हार हो गई, शुंग वंश को भी इन्होंने हरा दिया और दक्षिणी चीन को मंगोल साम्राज्य में मिला लिया गया। तब चंगेज खान का पोता जो कुबलई है, कुबलई खान कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभर के आया। तो उस मंगोल राजा का नाम पूछ सकता है जो कि कृषक और नगरों के रक्षक के रूप में उभर के सामने आया। वो कहता था कि भाई किसानों को अगर हम मार देंगे, नगरों को नष्ट कर देंगे, तो हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या हम। तो उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम क्या था, पोता था चंगेज खान का, कुबलई, कुबलई खान। ठीक है, तो कुबलई खान जो है कृषकों के रक्षक के रूप में उभर के सामने आता है। मंगोलों ने एक नए राज्य से नागरिक प्रशंसकों की भर्ती किया। इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान इनको भेजा जाता था। ठीक है, तो कुछ प्रशंसक थे, नागरिक प्रशंसक, उनकी भर्ती करते थे और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते थे। ठीक है, जो संबंध बनाने के काम करते थे, अच्छे संबंध जो मंगोल साम्राज्य उसके बनाने के लिए इनको भेजा जाता था। 13वीं शताब्दी के बीच बीच भाइयों में पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय खुद का राजवंश बनाने की भावना जागने लगी थी। ठीक है जी, 13वीं शताब्दी के बीच में। ये सब वैसे ज्यादा काम की चीजें नहीं है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी पीपीटी में मैंने ऐड कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि भैया आप ना एनसीईआरटी का टॉपिक स्किप कर देते हो। अब मेरे को नहीं लगता कि भाई ये सारी चीजें कोई खास यूजफुल है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी भाई पढ़ लो। अब फिर कमेंट करने के लिए तो नहीं रहेगा ना कि भाई भैया ने ये टॉपिक स्किप कर दिया, ये चीज बताया नहीं। तो मतलब कि ये धारणा खत्म हो गई कि भाई भाइयों को मिल बांट के पिता के संसाधन जो है उसका इस्तेमाल करने चाहिए, सब अब खुद अधिकार जताने की कोशिश करते थे, है ना। तो ये तरीका रहता था। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ और चारागाह भूमि पाने के लिए होड़ मचने लगी। ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता था। मान लो कि पुराने समय में रूल था कि एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, तो जिस राजा ने किसी दूसरे राजा को हराया है तो हारने वाले राजा को या तो मार दिया जाएगा या उसको गुलाम बना लिया जाएगा और उसके पूरे साम्राज्य पे कब्जा हो जाएगा, जिसने उसको हराया है वो कब्जा कर लेगा। ठीक है जी, चीन और ईरान पर शासन करने के लिए आए तोलोई के वंशजों ने युआन और इल खान वंश की स्थापना की। ठीक है जी, यहाँ पे युआन और इल खान वंश है, इसकी स्थापना की थी किसने, जो तोलोई थे उसके वंशजों ने। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया था। ठीक है, सुनहरा गिरोह का गठन किसके द्वारा किया गया था, जोची के द्वारा किया गया था, है ना। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान यानी कि तुर्किस्तान जो है उसके स्टेपी क्षेत्र पर राज करना शुरू कर दिया। ये चगताई के जो वंशज थे यानी कि उत्तराधिकारी थी, उन्होंने यहाँ पे शासन करना शुरू किया तुरान में। ठीक है जी, अब यास की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंगेज खान की नियम संहिता है। ठीक है, यास क्या था, चंगेज खान की नियम संहिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चंगेज खान ने एक नियम संहिता बनाया था अपने लोगों के लिए। ऐसा नहीं था कि वो बस क्रूर था, कोई नियम कायदे को फॉलो नहीं करता था, कोई नियम कायदे बनाता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। इसने नियम भी बनाए थे अपने लोगों के लिए, है ना। तो उस चंगेज खान ने जो नियम बनाए थे उसी को हम यास कह देते हैं। तो आरंभिक स्वरूप में यास को यासक कहा जाता था। ठीक है, स्टार्टिंग में यास को क्या कहा जाता था, यासक लिखा, मतलब यासक लिखा जाता था। इसका अर्थ था विधि आदेश अथवा आज्ञापति, है ना, कोई विधि यानी कि नियम या फिर आदेश जो कि चंगेज खां का आदेश था एक तरीके से। यास क्या था, चंगेज खां का आदेश ही था एक तरीके से। 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से किया, जिसका मतलब चंगेज खां की विधि संहिता थी, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसको इस रूप में यूज किया जाने लगा, इससे ये मतलब समझ में आने लगा कि भाई ये चंगेज खान की क्या है, विधि संहिता है, जो नियम बनाया था नियम संहिता ही है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में सामने आया और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। जब ये विशाल का साम्राज्य बन गया, तब यास का क्या हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिसके अपने इतिहास, संस्कृति और नियम थे। तो ऐसे ऐसे शहर उन्होंने जीते, चंगेज खान के वंशजों ने या फिर चंगेज खान ने, जो ऐसे शहर थे जिनकी खुद की एक संस्कृति होती थी, है ना, खुद का इतिहास था, खुद के नियम थे। ठीक है, मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्र पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बाद भी संख्या में अल्पसंख्यक ही थे। ठीक है, अगर मंगोलों की बात करें तो मंगोल भले ही इतने सारे एरियाओं को जीता, वहां पर उनका कब्जा था, लेकिन संख्या के दृष्टि में यायावर लोग अल्पसंख्यक ही थे, संख्या में कमी थे ये लोग। ठीक है, यास मंगोल जनजातियों की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, जो इनकी प्रथागत परंपरा थी जिसको लंबे समय से बनाते चले आ रहे थे, जिस रूल्स रेगुलेशन को लंबे समय से बनाते चले आ रहे थे,
यास जो था वही था कहीं ना कहीं। चंगेज खान की विभिन्न विधि संहिता कहकर मंगोलों ने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया। स्मृतिकार यानी कि उनकी खुद की स्मृति भी है, कुछ चीजें भी है उनके पास जिसको हम याद कर सकते हैं। इस रूप में चंगेज खान को यायावर साम्राज्य को दिखाने की कोशिश की गई यास का यूज करके। तो यास मंगोलों को समान आस्था रखने वाले वालों को संयुक्त करने में सफल रहा। ठीक है, जो यास जो था वो लोगों को जोड़ने में, जो संयुक्त विचार रखते थे मंगोल साम्राज्य में, उनको जोड़ने में काफी ज्यादा सफल रहा। ठीक है जी, तो यही यास के बारे में था, यही यास के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको समझा दिया है मैंने। हाँ चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है कि मंगोलों ने स्थानबद्ध जीवन प्रणाली को अपनाया, फिर भी यास ने उनको कबीलाई पहचान बनाए रखने और नियमों को लागू करने का विश्वास दिलाया है। मतलब यास जो है एक वही बात है, नियम कायदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी, वही बात है जो कि अभी तक हम कर रहे हैं। तो यास के बारे में वही सारी चीजें को घुमा घुमा के हमने पॉइंट बना दिया है, पॉइंट की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा किया है क्योंकि 8 नंबर में भाई क्वेश्चन आ जाता है और ज्यादा बुक में कुछ दे ही नहीं रखा है, यास के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे रखी है, तो इसलिए हमने क्या किया पॉइंट्स की संख्या बढ़ाने के लिए हमने इतना ज्यादा लिख दिया है कि आप कम से कम इतने पॉइंट्स तो हो कि आप अगर आंसर लिखते हैं तो कुछ आपको नंबर मिल जाए, ये नहीं कि नंबर कट जाए, क्योंकि 8 नंबर का आंसर आपको पता है कि हमें 250-300 शब्दों में लिखना होता है ना, और पॉइंट्स यास के बारे में ज्यादा बनते नहीं है, तो इसलिए पॉइंट्स की संख्या हमने बढ़ा दिया है ताकि आप लिख के आओ। समझाने लायक कुछ है नहीं, वही बातें थी बस, नियम संहिता नियम संहिता नियम संहिता है ना, यही है इसमें। देखो जी निष्कर्ष क्या निकलता है अब, जैसे कि पूरे चैप्टर में हम चंगेज खान की बुराई 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 करते आ रहे हैं, चंगेज खान ने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को मिटा दिया, कृषि को खत्म कर दिया, व्यापारिक मार्गों का चौपट कर दिया है ना, नहर तुड़वा दिए, नगर तुड़वा दिए, सब कुछ मतलब बुराई हमने पढ़ा। लेकिन मंगोलिया के इतिहास में चंगेज खान को एक महानायक माना जाता है ना। महानायक क्यों मानते हैं, क्योंकि भाई उसने मंगोल के लोगों को यायावर लोगों को संगठित किया, उनको पावरफुल बनाया, उनको चीनी के लोग, उनका जो शोषण चाइना के लोग जो उनका शोषण कर रहे थे उससे मुक्ति दिलवाई, एक विशालकाय साम्राज्य की नींव डाली है ना। तो ये सब चंगेज खान के बदौलत ही उनको मिल पाया था, ये सारे शोहरत जो उनको मिला वो चंगेज खान के बदौलत ही मिल पाया था। तो इसीलिए मंगोलिया के इतिहास में चंगेज खान को एक हीरो के तौर पर देखा जाता है। क्या लिखा है देखो, मंगोलिया के लिए चंगेज आ जा भाई मंगोलिया के लिए चंगेज खान सबसे महान शासक था जिसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई जो लड़ाई है उसको खत्म किया उसने, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाया और उनको समृद्ध बनाया, उनको बहुत ज्यादा समृद्ध बनाया। मंगोल शासक विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखते थे जैसे कि समन बौद्ध ईसाई इस्लाम है ना, लेकिन सार्वजनिक नीतियों पर अपने मत नहीं थोपते थे, मतलब सभी पर अपने मत नहीं थोपते थे क्योंकि वहां के लोग जो है वो अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले थे और कोई जबरन मतलब किसी के ऊपर अपने जो नीतियां है उसको नहीं थोपा करते थे। ठीक है जी, मंगोल शासकों ने सब जाति धर्म के लोगों को अपने यहाँ पर प्रशंसकों और हथियारबंद सैन्य दल में भर्ती किया था, सभी धर्म वर्ग के लोगों को अपने सलाहकार के रूप में या फिर अपने सेना के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय बहुभाषीय और बहुधार्मिक थी, मतलब बहुत सारे जाति बहुत सारी भाषाएं का लोगों को बहुत सारे धार्मिक लोगों को इसमें शामिल किया गया था। मंगोल साम्राज्य अलग अलग वातावरण में बदल गया और फिर भी मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही, मतलब अनेक वर्गों में बटाई, कई बार इस साम्राज्य में बदलाव आया लेकिन इस साम्राज्य पे एक ही व्यक्ति का नाम हमें देखने को मिलता है, उसका शासक चंगेज खान, चंगेज खान, चंगेज खान, खानों का खान, चंगेज खान। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से तो भाई आगे अब कुछ है क्या, आगे कुछ है बता, अरे और आ गया भाई। देखो आगे क्या लिखा है, 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर ने अपने आप को चंगेज खान के परिवार के दामाद के रूप में नए राजा होने का दावा किया। जब 14वीं शताब्दी में तैमूर आया, तैमूर ने बोला दामाद हूं मैं, किसका दामाद हूं भाई, चंगेज खान का दामाद था ये, और इसने फिर वहां पे शासन किया, लूटा भी भाई, भारत में भी आया तैमूर, भारत को भी लूटा इसने है ना, पता होगा आप लोगों को। तो आज रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रखा है और उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में स्वीकार किया है। जो मंगोलिया के लोग हैं, मंगोलिया की सरकार ने चंगेज खान को एक महान नायक के रूप में दिखाया है, महान नायक के रूप में इसको मानते हैं।
उसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व से किया जाता है। पुस्तकों में बहुत ही गर्व के साथ चंगेज खान के बारे में वहां पे पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही भाई किताब में स्थान मिल रहा है, अच्छी किताब, अच्छी अच्छी बातें वहां पे पढ़ाई जा रही है ना। ठीक है, तो बस यहाँ पे ही है और कुछ नहीं है बस। बस चैप्टर खत्म है और कुछ नहीं है भाई इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ चैप्टर समझ में आ गया होगा, किसी पॉइंट में कोई डाउट बचा नहीं होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी है ना आसानी से। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।